कल्याण महाराज की जय। राम दरबार दुआ कला की ओर से मंदिर निर्माण और मूर्ति स्थापना के सहयोगार्थ 2100 रुपए का सहयोग दिया गया। 11000 रुपए मोली माता मंदिर सेवा समिति टोडाई सिंह की ओर से। हमारे बीच में एक बड़े भामा साहब श्रीमान पप्पू जी सिंगोलिया टोडाराय सिंह, इन्होंने पहले मंदिर निर्माण में 51000 रुपए का एक साथ सहयोग किया है। भगवान कल्याण महाराज मंदिर समिति आपका तहे दिल से स्वागत करती है। आज भी इन्होंने ज्योत बत्ती के लिए 5000 रुपए अतिरिक्त और दिए हैं, इनकी राशि हो गई है 55000 रुपए। भगवान कल्याण महाराज मंदिर समिति आपका स्वागत सत्कार करती है। 2180 रुपए सीतारामपुरा चौधरी गांव के पंचों की ओर से है। 11000 रुपए बस्सी ओझापुरा सामूहिक विवाह समिति, बस्सी ओझापुरा सामूहिक विवाह समिति की ओर से है। मानकला मंदिर के सहयोगार दिए गए हैं। मंदिर समिति आपका धन्यवाद करती है। अब हमारे बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष सवाई माधोपुर सम्माननीय भागचंद जी को आमंत्रित करता हुआ आए हैं, और हमारे यहाँ के धरती पर जो लोग पधारे हैं उनको आशीर्वचन स्वरूप उद्बोधन करें सम्माननीय भागचंद। रमेश जी गढ़वाल साहब पूर्व जिलाध्यक्ष टॉक जहां पर भी वो मंच पर पधारे हैं। हेलो प्रभु जी राणोली वो भी मंच पर पधारे हैं। हाँ सर, आप सब एक जोरदार जयकारा लगाए हैं तो मालूम चलना चाहिए कि हम कल्याण जी महाराज की धरती पर हैं। बोल कल्याण जी महाराज की। हमारी माता और बहनों की आवाज नहीं आई। आज सबसे पहले मैं कल्याण जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उस धरती के महान संत की उस तपोभूमि के महान शिष्य संत लक्ष्मीदास जी महाराज जो हमारे समाज में पैदा हुए थे और आज राजस्थान के नहीं पूरे देश के माली समाज के लिए नागौर की उस पावन भूमि के और सब मंदिर के संत हमारे इस मंच पे आसीन हैं। ऐसे संत के श्री चरणों में नमन करता हूं। मंच पर हम सबके बीच में अतिथि के रूप में विराजमान टोंक जिला माली समाज के जिलाध्यक्ष आदरणीय कैलाश आर्यवर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष बद्री जी भारती जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश गढ़वाल जी, यहाँ के आयोजन समिति के अध्यक्ष जी, और जिस धरती पे हम लोग बैठे हैं इस धरती का इस सेक्टर का कल्याण जी महाराज की इस माटी का नाम पूरे राजस्थान में अपनी मधुर वाणी के रूप में जाना जाता है, ऐसे भजन सम्राट भाई हेमराज जी सैनी। हम सबके बीच में आज भजन संध्या में रात भर आप सबको बांधे रखने वाले भाई राम कुमार जी मालूनी जी, जिनका नाम देश के कोने कोने में भाई हेमराज जी की तरह छा रहा है। और ये धरती ये माटी अपने आप में माली समाज के लिए सौभाग्यशाली इसलिए है क्योंकि इस कल्याण जी महाराज की धरती से मैं समझता हूं आप लोगों की पहचान यहां के किसान नेता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में और एक पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी के नाम के साथ साथ भी इस बेल्ट और इस सेक्टर का नाम जुड़ा हुआ है। ऐसे हीरे इस माटी से पैदा हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय डॉक्टर प्रभुलाल जी सैनी साहब को भी यहां पहुंचना था, लेकिन हम सबको दुख इस बात का नहीं है क्योंकि वो आप सबके सहयोग से आज इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गए हैं कि 2 दिन का जयपुर में उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है और माननीय डॉक्टर प्रभुलाल जी सैनी साहब उनके राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग में भाग लेने की वजह से आपके बीच में नहीं आ पाए हैं। मैं उन सब आप सबको उनकी ओर से जो मेरे को मैसेज है मैं इस कार्यक्रम में उनकी ओर से बहुत बहुत बधाई
और शुभकामना देता हूं। और आप सब लोगों ने जो बहुत मेहनत करके 5-6 वर्ष लगातार इस मंदिर समिति की जो टीम है, जो कार्यकारिणी पदाधिकारी, उन्होंने दिन रात मेहनत करके, मैं समझता हूं राजस्थान के गिने चुने ऐसे मंदिरों में यहाँ मांडकड़ा के अंदर आपने जो कल्याण जी महाराज का मंदिर बनाया है, ये एक अपने आप में एक मिसाल है। वो सब हमासा और सहयोगी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है जिन्होंने इतना अच्छा स्थान यहाँ खड़ा किया है। मैं आज इस मौके पर आप सब लोगों को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह आपने कल्याण जी महाराज का मंदिर बना करके इतना बड़ा नाम किया है, इसी प्रकार से कभी शिक्षा के सेक्टर में भी अगर आप लोग कोई काम करें, चाहे टोंक जिले में माली समाज के छात्रावास को डेवलप करने का काम करें, चाहे यहाँ पर कोई शिक्षा के कोचिंग सेंटर स्थापित करने का काम करें, लेकिन निश्चित रूप से टोंक जिले में इस तरह का मूवमेंट आपको खड़ा करना चाहिए। क्योंकि मैं आज सवाई माधोपुर में उस भामाशाह को नमन करता हूं इस मंच के माध्यम से, जिसने 3 करोड़ रुपए की जमीन, स्वर्गीय नारायण जी नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने 3 करोड़ रुपए की जमीन आज सवाई माधोपुर में सैनी समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए, सैनी छात्रावास को निर्माण करने के लिए हमको दिए, और मेरे नेतृत्व में मुझे समाज में वहां का अध्यक्ष बनाकर के लगातार 20 साल से मैं वहां सेवा कर रहा हूं। आज मेरे पास में 100 बच्चे रह करके वहां पढ़ रहे हैं, और हर वर्ष कम से कम 20 बच्चे सरकारी नौकरियों में वहां से निकल रहे हैं मेरे पास से। टोंक जिले के भी कई बच्चे वहां मेरे पास हैं। तो मैं आज के इस मौके पर इस समिति के सक्रिय लोगों को इतना जरूर कहना चाहूंगा, मेरी आप लोगों से पहले भी बात हुई थी कि जिस तरह से आपने करोड़ों रुपए लगाकर एक मंदिर की स्थापना की है, शिक्षा के केंद्र भी एक मंदिर होते हैं जहाँ समाज का निर्माण होता है, जहाँ हमारे बेटे और बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज के इस मौके पर इस तरह के बुद्धिजीवी नागरिकों को यह कहना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई अग्रणी कार्य करें। मैं एक बार भाई पाचू जी और जितने भी यहाँ समाज से भी बैठे हैं, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कार्यक्रम को आपको सुनना है, माननीय हमारे जो भजन गायक हैं मालूनी जी, उनको भी सुनेंगे, हेमराज जी आपके अपने आंगन के कलाकार हैं उनको भी सुनेंगे, जगदीश जी कोटा भी आए उनको भी सुनेंगे, और आप सब लोग रात भर भजनों का आनंद लेंगे। कल यहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मैं आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, भगवान के श्री चरणों में यह उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये माता और बहनें बैठी हैं, 1 महीने बाद में 1.5 महीने बाद में जब स्कूल खुले तब इस बात का प्रण जरूर करें कि हमारा बेटा और बेटी, आपका पोता और पोती, आपका भतीजा, मतलब जो भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हमारे बच्चे स्कूल जरूर जाने चाहिए, और शिक्षा के सेक्टर में हम लोगों को जागरूक होना चाहिए, एक मूवमेंट आपको खड़ा करना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में आज आपका सिरमौर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठा है, जब आपके समाज का मुख्यमंत्री बनकर के बैठा है, तो आप महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के सपनों को साकार करने में भी आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बार फिर टोंक की पूरी टीम का, आदरणीय प्रभु जी का और आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए धन्यवाद।